नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। पिछले महीने यूपी में पेपर लीक के कई मामले सामने आए थे, जिससे प्रदेश के युवाओं में हताशा का माहौल है। हालांकि सीएम योगी ने इस मामले को एक्शन में लेकर पेपर को दोबारा से कराने का आदेश भी दिया है, और इसी बीच एक बार फिर सीएम योगी ने इसी मामले को आड़े हाथ ले लिया है, जिसमें उन्होंने अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए इशारों इशारों में बड़ी बात कह दी है, जिसके बाद यूपी के अफसरों की नींद उड़ी हुई है। तो क्या एक्शन लेने जा रहे हैं सीएम योगी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूपी में सरकारी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र के लीक होने से युवाओं में हताशा का माहौल है। अब इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अफसरों को सख्त हिदायतें देते हुए इशारों इशारों में कहा कि आपकी नियुक्ति समाधान के लिए की गई है, न कि समस्या के लिए। सीएम योगी ने अफसरों को साफ तौर पर चेतावनी दिया और कहा कि जो लोग परीक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकार उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके आगे सीएम योगी ने छात्रों को आश्वासन दिया कि युवाओं के भविष्य से हम किसी को नहीं खेलने देंगे। उन्होंने पेपर लीक में शामिल आरोपियों को लेकर कहा कि वे कब तक छुपेंगे, हम उनको ढूंढ लेंगे। आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में द्वितीय पाली का पेपर लीक कराने वाले ग्रुप के एक सदस्य महेंद्र शर्मा को एसटीएफ की टीम ने पेपर और आंसर शीट के साथ हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने के बाद महेंद्र शर्मा ने पूछताछ में बताया कि जींद में उसकी दुकान है जिस पर वह काम करता है। 15 फरवरी को उसके गांव के विक्रम, जो कि दिल्ली पुलिस में है, उसे अपने साथ मानेसर गुरुग्राम के रिसोर्ट पर लेकर गया, जहाँ पर उसने बताया कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र आने वाला है, इस काम में मेरा सहयोग करो, तुमको भी 1-2 लाख रुपया दे दूंगा। इसके आगे उसने बताया कि उस रिसोर्ट में रिसोर्ट के मालिक के साथ करीब 1000 परीक्षार्थी मौजूद थे। यूपी की योगी सरकार छोटी घटना हो या बड़ी घटना, उसको संज्ञान में लेकर आरोपियों को उनके गुनाहों की सजा दिलाते ही हैं। सीएम योगी के सरकार में किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से बार बार सरकार को घेरा जाता है। इस मामले पर भी हमने देखा था कि विपक्ष की तरफ से सरकार को बार बार घेरा गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जब योगी सरकार सभी अपराधियों के चेहरे से नकाब उतारेगी तो विपक्षियों की बोलती कैसे बंद होती है। इस खबर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।